जमशेदपुर के परसुदी थाना के पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कार भाड़े पर लगाने के नाम पर बेच लिया करता था युवक, जिस गाड़ी को बेच नहीं पाता था उसे गिरवी पर चढ़ा देता था। पुलिस ने इस मामले पर परसुदी क्षेत्र के मकदमपुर मुंशी मोहल्ला निवासी 35 वर्षीय मुकेश प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया। उसके पास से टाटा नेक्सन कार JH05BX0593 बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर परसुदी पेट्रोल पंप के पास रहने वाली एक महिला श्रीमती सुनीता अग्रवाल ने एक FIR दायर करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि आरोपी मुकेश यादव ने उनसे स्कॉर्पियो भाड़े पर लगवाने के नाम पर लिया था और उस गाड़ी को बिहार के गया निवासी उपेंद्र कुमार यादव नामक व्यक्ति को बेच दिया। इस मामले की जांच होने पर पता चला कि आरोपी ने कुल 8 गाड़ियां भाड़े में लगाने के नाम पर लेने एवं धोखाधड़ी कर किसी अन्य को बेच दिया करता था। आरोपी मुकेश प्रसाद यादव अपनी जालसाजी के लिए जमशेदपुर में श्री यादव मोटर्स, श्री कृष्णा मोटर्स और SK एंटरप्राइजेस 3 ऑफिस का इस्तेमाल करता था। सूत्रों के अनुसार मुकेश के साथ एक लड़की भी जुड़ी हुई है जो अभी लापता है और पुलिस उसकी संधान कर रही है। आरोपी नटवरलाल मुकेश ने कुल 8 गाड़ियों के मालिकों के संग धोखाधड़ी किया है। बेचे गए वाहनों में लगभग 1 से 2 साल पुरानी गाड़ियों में स्विफ्ट डिजायर, 1 महिंद्रा स्कॉर्पियो, 1 डस्टन गो, 1 बलेनो, 1 टाटा नेक्सन, 1 टाटा टियागो और 1 हुंडई ईयॉन शामिल है। वहीं सभी गाड़ियां प्रीमियम कार्स हैं, जिनका मूल्य 10 लाख और उससे अधिक है। इन सभी गाड़ियों को बरामद करने की प्रयास की जा रही है। पुलिस ने नटवरलाल मुकेश प्रसाद यादव को 420 के धारा में गिरफ्तार किया है और आगे की जांच में जुटी हुई है।